नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग इस उम्मीद के साथ एंट्री लेते हैं कि वो भी एक दिन सुपरस्टार बनेंगे। बहुत लोग अपनी मेहनत और किस्मत से अच्छा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे लुक्स और डैशिंग पर्सनालिटी के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। ये जब से फिल्मों में फ्लॉप हुए तब से इन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। अब ऐसा लगता है मानो इनका कोई वजूद ही ना हो। ये जी रहे हैं गुमनामी की जिंदगी। कई बार तो इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ने लगता है। यहाँ हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो शुरू में तो बहुत पॉपुलर हुए लेकिन बाद में फ्लॉप होते चले गए और अचानक से उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने उन्हें पहचानना भी बंद कर दिया। अब इनका ये मोटापा डिप्रेशन की वजह से है या फिर ये लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये तो वही जाने। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है फरदीन खान का। फरदीन खान ने बॉलीवुड में चॉकलेटी हीरो की तरह एंट्री मारी थी। उस जमाने में फरदीन खान काफी हैंडसम हुआ करते थे, लाखों लड़कियां उन पर फिदा थीं। फरदीन खान ने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1998 में प्रेमगन फिल्म से की थी। उनकी लास्ट फिल्म 2010 में दूल्हा मिल गया आई थी। फरदीन का बॉलीवुड करियर कोई खास नहीं रहा, उनकी लगभग हर फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद वो काफी मोटे हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरों का काफी मजाक भी उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद फरदीन खान ने उनका मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब भी दिया था। अब बात करते हैं अगले एक्टर की। यशराज चोपड़ा जैसे महान फिल्म मेकर के बेटे होने के बावजूद उदय चोपड़ा अपने फिल्मी करियर को ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाए। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू साल 2000 में मोहब्बतें फिल्म से किया। फिल्म में शाहरुख और अमिताभ भी थे इसलिए फिल्म चल गई। इसके अलावा वो धूम सीरीज में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए, लेकिन उदय चोपड़ा जब भी किसी फिल्म में लीड एक्टर प्ले करते तो वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट जाती थी। ऐसे में उदय को धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। अब वो सिर्फ पर्दे के पीछे का डिपार्टमेंट ही संभालते हुए नजर आते हैं। वैसे इन दिनों उदय का वेट भी पहले के कंपैरिजन में काफी बढ़ गया है और उन्हें लोग पहचानते तक नहीं है। 2008 में फिल्म लव स्टोरी 250 से प्रियंका चोपड़ा के साथ डेब्यू करने वाले हरमन बावेचा का सिक्का भी बॉलीवुड में चल नहीं सका। 2009 में उन्होंने व्हाट्स योर राशि की थी लेकिन वो भी बुरी तरह फ्लॉप रही। हरमन के डेब्यू के दौरान लोगों को लग रहा था कि वो बाकी सितारों को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन ये अंदाजे सभी के गलत साबित हुए। प्रेजेंटली हरमन का लुक इतना बदल गया है कि आप भी उनको देखकर हैरान रह जाएंगे। चंद्रचूड़ सिंह ने 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उसी साल वो माचिस में भी नजर आए। इसके बाद वो दाग द फायर, क्या कहना और जोश जैसी फिल्मों में भी नजर आए। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया लेकिन फिर भी चंद्रचूड़ अपने फिल्मी करियर को ऊंचाई तक नहीं ले जा सके। 2012 में उन्होंने चार दिन की चांदनी से कमबैक किया लेकिन फिल्म फ्लॉप साबित हुई। देखते ही देखते उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया। रानी मुखर्जी के साथ राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले शादाब खान भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए। अमजद खान के बेटे होने के बावजूद उन्हें बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली। अभी आप उनको हाल ही में देखेंगे तो प्रेजेंटली उनका लुक भी काफी चेंज हो गया है। राजा की आएगी बारात में हैंडसम दिखने वाले शादाब खान आज की डेट में बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए फिल्मी बीट।